कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण हमीरपुर द्वारा कृषि विभाग के सभागार में प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिवस आयोजित किया गया, जिसमें जिला हमीरपुर के सभी विकास खंडों के किसानों एटीएम तथा बीटीएम ने भाग लिया। इस अवसर पर परियोजना निदेशक कुलदीप वर्मा ने बताया कि प्रकृति का दोहन इस स्तर पर पहुंच चुका है कि मनुष्य के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। उन्होंने सभागार में कृषकों से आम जनता को जहर मुक्त उत्पाद उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया और कहा कि कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण किसानों की हर संभव सहायता एवं मार्गदर्शन करने के लिए हर समय तत्पर है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती में लागत न्यूनतम होती है, साथ ही अधिक उपज, उच्च गुणवत्ता, रोग कीट बीमारियों में कमी, स्वास्थ्य पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग में कमी, प्राकृतिक संकट में भी अच्छी फसल होना एवं कर्ज मुक्त खेती की जाती है। इस मौके पर परियोजना निदेशक सोनिका तथा सुरेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं किसान उपस्थित थे। सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हुए गृह युद्ध पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी चुटकी ली है। हमीरपुर में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा और इसकी सरकार में व्यापक असंतोष एवं भ्रष्टाचार को जनता के सामने पूर्णतः उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता ही सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और सरकारी तंत्र आरोपों की जाँच करने की बजाय आरोप लगाने वालों के विरुद्ध ही कार्रवाई कर रहा है। जिससे स्पष्ट होता है कि एक तो सरकार में भ्रष्टाचार व्यापक है, दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के बावजूद अफसरशाही को नियंत्रित एक कुशल एवं सुदृढ़ प्रशासक के रूप में खुद को स्थापित नहीं कर पाए हैं तथा अब वर्तमान परिस्थितियों के चलते उनकी परेशानियां और बढ़ने वाली हैं। प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने जनमंच कार्यक्रम को रंगमंच करार देते हुए कहा कि जनमंच कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को दूर करने की जगह कर्मचारियों और अधिकारियों को मंत्री सार्वजनिक रूप से अपमानित कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से न्याय न मिल पाने से जनता हताश है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पूर्व से ही चल रहे प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम का नाम बदलकर मंत्रियों को इसमें सम्मिलित कर एक राजनीतिक ड्रामे का रूप दे दिया है, जिसमें सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं नादौन के विधायक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू ने नादौन विधानसभा क्षेत्र के मानपुर पंचायत के कुल्ले गांव में एक जनसभा को संबोधित किया तथा लोगों की जन समस्याएं सुनी। इस अवसर पर उन्होंने गांव की महिलाओं की मांग पर महिला मंडल को सामान खरीदने के लिए विधायक निधि से धन तथा महिला मंडल भवन के निर्माण में सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उन्होंने पंचायत के लोगों से पेयजल को लेकर विशेष एहतियात बरतने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में हिमाचल के अस्पतालों के बारे में प्रश्न किया था तथा सरकार ने माना कि हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज के लिए तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने बजट का प्रावधान किया था। उन्होंने कहा कि सरकार के मुख्यमंत्री ने लगभग एक साल पहले हमीरपुर स्कूल मैदान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिलान्यास किया था, लेकिन आज तक इसमें शिलान्यास पत्थर के अतिरिक्त कुछ नहीं लगा। उन्होंने कहा कि इससे लोगों द्वारा सरकार की कार्य प्रणाली पर उंगलियां उठना स्वाभाविक है। सुखू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो पत्थर बम की राजनीति हो रही है उसमें ये मायने नहीं रखता कि पत्थर बम किसने जारी किया, लेकिन पत्थर बम में जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नादौन विधानसभा क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है।
सुंदरनगर के ईसाई मिशनरी द्वारा गरीब हिंदू लोगों को पैसे का प्रलोभन देकर ईसाई बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसी कड़ी में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल RSS के लोगों द्वारा ईसाई सभा में जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें हिंदू धर्म के सभी संगठन मौजूद रहे। मौके पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसे लेकर उग्र भीड़ ने पुलिस व प्रशासन के खिलाफ भी भारी प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि इस तरह की सभा अगर आगामी दिनों में होती है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा।